MPC plus MPS is equal to 1. इस पर बेस्ड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही आता है, और जो 4 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल होता है बोर्ड एग्ज़ाम में, उसमें भी इसका यूज़ होता है। मतलब आपको लर्न होना चाहिए कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है ना। MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यदि 0.3 गिवन है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.7 होगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.6 है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.4 होगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 60% है, परसेंट है ना, परसेंट में भी आ सकता है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 40% होगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि यदि परसेंटेज में है तो दोनों का टोटल 100% आएगा, और परसेंटेज में नहीं है, हमें बस ये याद रखना है कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस पर बेस्ड आपका एक 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव भी पक्का है, और 4 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। कब पड़ती है आप थोड़ा ध्यान दो, यदि वो कंजम्पशन फंक्शन कुछ आपको बोलता है ना। कंजम्पशन फंक्शन का क्या फॉर्मूला है, C इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट C प्लस BY। यहाँ पर जो B होता है वो MPC होता है ना। कंजम्पशन फंक्शन में जो B होता है वो MPC होता है, और क्वेश्चन में वो इन्फॉर्मेशन जो है B की यानी MPC की न देकर MPS दे देते हैं। सपोज MPS दे दिया 0.3, तो आपको तो वहाँ पर MPS नहीं लगाना है, आपको तो MPC यानी B लगाना है। तो आप MPS को MPC में कन्वर्ट करो 1 में से माइनस करके। तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर रखो, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, तो आपका 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव भी पक्का हो सकता है, साथ ही में आपका जो 4 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आना है वो भी डेफिनेटली पक्का होने वाला है।